बहुत जन का घर में पपीज रखते हैं हम लोग ना, और दिक्कत क्या होता है पपीजों से, ये जिसे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, काटना शुरू करते हैं, जैसे वायर हो गया और जूता हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सब काटने लगते हैं, क्योंकि उन लोग का जो दांत निकलता है ना सुरसुराता है। सो उसका तो अच्छा रेमेडी है, क्या मालूम है, आप लोग को बता रहा हूँ। करना क्या है सो करना क्या है, खस्सी का जहाँ खस्सी कटता है ना, वो दुकान जाइए और वो जो खस्सी का माथा हेड कट जाने के बाद ये जौ निकलता है, इसे कोई यूज़ नहीं करते, इसे वो लोग फेंक देते हैं, और इसे ले आइए। ले आने के बाद जितना मीट पोर्शन है कोशिश कीजिए छुड़ा देने के लिए कि खाली बोन रहे, और इसको हल्दी पानी में बॉयल कर दीजिए। बॉयल जब कर देंगे तो क्या होता है कि जर्म्स मर जाता है अगर कुछ रहता है, और क्लीन हो जाता है, और ऐसे में भी हल्दी पानी में बॉयल होना अच्छा है। फिर क्या होगा, ये जब कुछ देरी तक बॉयल होगा ना, इसको निकाल लीजिए, ठंडा कर दीजिए, इसको दे दीजिए डॉगी को, पपी को दे दीजिए, चिबाएगा, चिबाते चिबाते लोग का दांत दर्द दे देता है, और फिर क्या कहता है लोग, और कुछ वायर हो गया या सॉक्स हो गया ये सब नहीं काटेंगे, घर का कोई भी चीज़ नहीं काटेंगे। ये है टिप्स। तो जो लोग पपीज या डॉग रखते हैं घर में, अगर आप लोग का घर में नष्ट कर रहे हैं उन लोग, वायर काटना, ड्रेसेस काटना, ब्लैंकेट काटना, शू काटना, तो ये तरीका यूज़ कीजिए, देखिएगा इट विल बी यूजफुल। सो कुछ देरी बॉयल होने के बाद एक्चुअली इसको निकाल लीजिए, एक तो काफ़ी होता है, और इसको थोड़ा सा ठंडा पानी में डाल दो। पहले ठंडा पानी में डाल देने से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और जैसे ठंडा हो जाता है ना तो क्या किया जाएगा, ओके ये पानी को फेंक देते हैं, निकाल लिया हूँ, ठंडा हो गया, अभी इसको दिखाते देखते खाएगा कि नहीं। वाओ ओ, और दे देते इसको, हियर ही गोज, बस ये चिबाते ही उसका दांत दर्द देने लगेगा, फिर कोई भी चीज़ घर का नहीं काटेगा। हाँ, इंसान को तो काटेगा, चोर को काटेगा, बट घर का जो चीज़ होता है ना वो सब चीज़ नष्ट नहीं करेगा। ट्राई इट। बस उतना ही कर पाएगा, कोशिश करेगा तोड़ने के लिए वो जौ को, पर नहीं सकेगा, और रेगुलर ऐसे 2-3 दिन करवाने से उन लोग का दांत दर्द देने लगता, फिर कोई भी चीज़ तार हो गया या घर का जो सामान काटना बंद कर देंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आप लोग पेट्स यानी पपी और डॉगी रख रहे हैं घर में। पूरा बेस्ट।